और अब जाति में जयते की राजनीति में उस बंगले की खबर जो 31 साल तक देश में सरकारें बदलने के दौरान राजनीति का केंद्र रहा, 31 साल बाद भी सियासत का घर ये बना हुआ है। बंगला नंबर 12, जनपथ रोड, दिल्ली। 12 जनपथ दिल्ली का वो बंगला जो 31 साल तक देश में सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन इस बंगले के उत्तराधिकारी रामविलास पासवान रहे। पिछले साल 8 अक्टूबर को निधन के बाद अब यह बंगला खबरों में इस मूर्ति को लेकर आया। पासवान की मूर्ति के साथ बंगले के भीतर रामविलास पासवान की स्मृति में लगे बोर्ड के बाद सवाल उठने लगे। जिस बंगले को खाली करने के लिए बेटे चिराग को नोटिस दिया गया, उसी बंगले में दिवंगत पासवान की मूर्ति लग जाने के पीछे क्या कोई अलग मकसद है? क्या चिराग अपने पिता के बंगले को छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग अपनी माँ के इस बंगले में रहते हैं। अब ये बंगला नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ है। 12 जुलाई को चिराग को बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ था। चिराग ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में ही रहने की इजाजत मांगी थी। इस बीच मूर्ति भी बंगले के भीतर लग गई। सवाल उठा, ऐसा क्यों किया गया? तब तक बिहार से आरजेडी ने राजनीति का नया मोड़ दिया इस मांग के साथ कि 12 जनपद को ही अब रामविलास पासवान का स्मारक बना दिया जाए। उन्होंने अंतिम सांस अपनी इस आवास में ली और जहां तक मैं जानता हूं कि दलित सेना का जो गठन 1982 में उन्होंने किया और यहां से ही उन्होंने दलित वंचित शोषित की लड़ाई लड़ी। 40 में 39 सांसद एनडीए का बिहार से जिता कर दिए थे। आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार दलित विरोधी मानसिकता दिखाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके आवास पर बनना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान ने ऑफ कैमरा बातचीत में कहा है, 12 जनपद के बंगले में पासवान की मूर्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार है और दूसरा बंगला मिलते ही वो शिफ्ट कर जाएंगे। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बनने पर रामविलास पासवान को पहली बार 12 जनपद का बंगला मिला था। उसके बाद देवगौड़ा, वाजपेयी, यूपीए की सरकार और फिर मोदी सरकार तक भले सरकारें बदली या प्रधानमंत्री, लेकिन 1990 से 12 जनपद का बंगला रामविलास पासवान के पास रहा। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पासवान की इस मूर्ति के बाद 12 जनपद फिर सियासत के केंद्र में है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।